जब विनोदनी बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आती तो आशा एक दिन उसे ये कह देती है कि क्यों भाई आँख की किरकिरी, तुम कभी मेरे पति के सामने क्यों नहीं आती हो? माँ से मुझे पता चला कि तुम हमारी गैर नहीं हो। इस पर विनोदनी ने जवाब दिया कि संसार में अपना पराया कुछ नहीं होता, जो अपना समझे वो अपना और जो पराया समझे वो पराया, पर वह अपना होते हुए भी पराया है। उस दिन आशा ने महेंद्र को इस बात के लिए राजी किया कि वो उसकी आंख की किरकिरी से बात करे, उससे परिचय करे। महेंद्र ने पहले तो विनोदनी से मिलने में आनाकानी की, लेकिन मन ही मन महेंद्र भी विनोदनी को एक बार देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। लेकिन महेंद्र ने बोला कि तुम्हारी आंख की किरकिरी से परिचय का समय कहाँ है मेरे पास, किताबों से तो फुर्सत मिलती नहीं मुझे। लेकिन आशा के बार बार कहने पर महेंद्र विनोदनी से बोलने के लिए राजी हो गया। जब अगली सुबह आशा विनोदनी को बुलाने गई कि वो चलकर महेंद्र से मिले, तो विनोदनी ने मना कर दिया। आशा के कई बार कहने पर भी विनोदनी महेंद्र से मिलने के लिए राजी नहीं हुई, और इस बात का महेंद्र को बहुत बुरा लगा कि विनोदनी ने उससे मिलने से मना कर दिया। क्योंकि विनोदनी भी कहती थी कि जब से मैं इस घर में आई हूँ, महेंद्र बाबू मेरे से एक बार नहीं बोले। जब मैं बुआ के कमरे में होती हूँ तो वो वहाँ नहीं आते, दूर दूर रहते हैं मुझसे, फिर मैं क्यों मिलूँ? अब आशा भी कहाँ हार मानने वालों में से थी। उसने विनोदनी और महेंद्र की मुलाकात कराने की एक तरकीब सोची। आशा ने महेंद्र से कहा कि मैं विनोदनी को कमरे में यह कहकर लाऊंगी कि तुम कॉलेज गए हो, और फिर तुम बाहर से अचानक कमरे में आ जाना। महेंद्र ये करने को राजी तो नहीं हुआ, पर आशा ने अपनी कसम देकर महेंद्र को ऐसा करने को कहा, और हुआ भी ऐसा ही। आशा विनोदनी को यह कहकर कमरे में ले आई कि महेंद्र बाबू तो कॉलेज गए हैं, और दोनों सहेलियां कमरे में कारपेट के जूते बना रही थी। तभी महेंद्र पीछे से आ गया और वो आकर के विनोदनी के पीछे खड़ा हो गया। महेंद्र के आते ही आशा खिलखिलाकर हंसने लगी, और विनोदनी समझ गई कि पीछे महेंद्र बाबू खड़े हुए हैं। और तब महेंद्र ने विनोदनी से बैठने का आग्रह किया, और तीनों ने आपस में बैठ कर के बातें की। तो इस तरह से ये महेंद्र और विनोदनी का पहला परिचय हुआ। अब महेंद्र सोचता कि अब तो विनोदनी से उसकी मुलाकात होती ही रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विनोदनी सिर्फ अपने कामों में ध्यान लगाती थी, वो बेवजह कभी भी महेंद्र से मिलने नहीं जाती थी। लेकिन महेंद्र मन ही मन उससे मिलना चाहता था, उससे और बातचीत करना चाहता था। एक दिन महेंद्र ने आशा से पूछ ही लिया कि मैं उसकी आंख की किरकिरी को कैसा लगा, लेकिन आशा ने कहा कि उसकी किरकिरी ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। अब अचानक महेंद्र को फोटोग्राफी का शौक चढ़ गया, वो तस्वीरें खींचने लगा, और आशा के कहने पर उसने विनोदनी की भी तस्वीर खींची। अब महेंद्र, आशा और विनोदनी तीनों में एक मित्रता सी हो गई थी। अब विनोदनी और महेंद्र एक दूसरे से मिलते हुए हिचकिचाते नहीं थे, ये तीनों आपस में बैठ कर के खूब बातें करते थे, क्योंकि अब इन तीनों की मंडली जम चुकी थी। एक दिन बिहारी ने महेंद्र को चिट्ठी भेजी, उसमें लिखा था कि कल इतवार को मैं माँ के हाथों का बना हुआ भोजन खाने आ रहा हूँ। ये पढ़कर महेंद्र ने सोचा कि मेरा इतवार तो गोबर हो जाएगा, तो उसने जवाब में लिखा कि इतवार को कुछ जरूरी काम से मुझे बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बिहारी तो आ गया इतवार को ही महेंद्र के घर। उसे देखकर महेंद्र हैरान हो गया। अब महेंद्र, आशा, बिहारी और विनोदनी चारों कमरे में बैठकर बातें करने लगे। अब बिहारी भी बिना बुलाए अक्सर महेंद्र के घर आने लगा था। इन चारों की जिंदगी ऐसे ही कट रही थी कि एक दिन राजलक्ष्मी महेंद्र से बोली कि विनोदनी वापस अपने घर जाना चाहती है। बिहारी भी वहीं बैठा बातें सुन रहा था। बिहारी को दुख हुआ कि विनोदनी वापस अपने घर जाना चाहती है ये सुन करके, लेकिन आशा, महेंद्र और बिहारी के समझाने पर वो रुक गई। अब एक दिन महेंद्र ने यह प्रस्ताव रखा कि अगले इतवार को दमदम के बगीचे में पिकनिक पर जाया जाए। ये सुनकर आशा बेहद खुश हुई, लेकिन विनोदनी ने साथ चलने से मना कर दिया। आशा के समझाने पर भी विनोदनी नहीं मानी। फिर अगले दिन जब बिहारी आया तो विनोदनी ने बिहारी से कहा कि मैं इनके साथ पिकनिक पर नहीं जाना चाहती, और ये लोग मुझे वहां ले जाना चाहते हैं।
बिहारी ने भी विनोदनी से यही कहा कि वो उनके साथ पिकनिक पर जाए। तब विनोदनी बोली कि ठीक है, फिर बिहारी बाबू आप भी हमारे साथ चलिए। महेंद्र बिहारी को अपने साथ पिकनिक पर नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि विनोदनी पिकनिक पर चले, तो मजबूरन महेंद्र को बिहारी को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ा। अब इतवार को ये चारों नौकरों के साथ दमदम के बगीचे में पहुंच गए। उस दिन शरद का सवेरा था, धूप निकल आई थी, ओस की बूंदें सूख चुकी थी और निर्मल प्रकाश से पेड़ पौधे झिलमिला रहे। हर सिंगार की कतारें दीवारों पर फैली हुई थी और अपनी खुशबुओं को बिखेर रही थी। विनोदनी और आशा, इन दोनों सखियों ने ऐसे मनोहर वातावरण में खूब आनंद लिया। महेंद्र एक चौकी पर उदास बैठ गया और बिहारी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा पानी गर्म कर रहा था। बिहारी ने सभी के लिए चाय बनाई। ये चारों बिहारी के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पीते हुए बातें करने लगे। विनोदनी अपने बचपन के किस्से सुनाने लगी। बात करते करते विनोदनी के सर से पल्लू उड़ गया और उसकी आंखों में कौतुक का जो तीखा कटाक्ष था वो बिहारी ने देख लिया। दो दिन उन लोगों ने दमदम के बगीचे में बिता दिए। पिकनिक के दिन जो वाक्य गुजरा था उसके बाद महेंद्र में विनोदनी को अपनाने की चाह बढ़ गई थी। लेकिन अगले ही दिन राजलक्ष्मी बीमार पड़ गई और विनोदनी उसकी सेवा में लग गई। महेंद्र विनोदनी से कहता कि माँ की सेवा के साथ साथ अपना भी ख्याल रखा करो, कहीं तुम्हारी तबीयत ना बिगड़ जाए। महेंद्र बार बार माँ के कमरे में जाने लगा। एक दिन थककर विनोदनी ने कह ही दिया कि आप कॉलेज क्यों नहीं जाते, वहाँ से गैर हाजिर क्यों हो। बिहारी भी माँ को देखने के लिए आया करता था और वो विनोदनी की सेवा भाव को बड़ी श्रद्धा की नजर से देखता था। महेंद्र अब नियम से कॉलेज जाने लगा था, लेकिन विनोदनी की ये बात महेंद्र को जरा बुरी लग गई कि विनोदनी ने उसे इस तरीके से कहा कि वो कॉलेज जाए, वहाँ से गैर हाजिर ना रहे। इसलिए महेंद्र ने नियम से कॉलेज जाना शुरू कर दिया। अब महेंद्र के व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया था। वो छोटी छोटी बातों पर आशा पर गुस्सा करने लगा था। जब भी महेंद्र उस पर गुस्सा करता तो मानो आशा पर गाज गिर पड़ती और वो रोने लगती। अब विनोदनी के बिना महेंद्र भी आशा से अकेले में कम बातें करता था। एक दिन एक फूलदान में मुरझाए फूलों को ना बदलने के कारण महेंद्र आशा पर चिल्लाया और बाहर चला गया। वो छत पर चहलकदमी कर रहा था, उसने आशा को बुलावा भेजा। सकुचाई से आशा छत पर आई और महेंद्र ने उससे माफी मांगी। ये सुनकर आशा जोर जोर से रोने लगी और दोनों के बीच की दूरियां उसी समय खत्म हो गई। महेंद्र ने आशा को बताया कि उसकी कॉलेज में रात की ड्यूटी लगी है, तो अब वो कॉलेज के पास ही कोई डेरा लेगा। आशा ने सोचा कि शायद महेंद्र अभी भी नाराज है इसलिए जाना चाहते हैं, लेकिन महेंद्र ने आशा को समझाया कि ऐसा नहीं है, वो उससे जरा भी नाराज नहीं है और फिर चिट्ठी के जरिए हम दोनों बात कर लिया करेंगे। आशा ने भी महेंद्र का सामान पैक करना शुरू कर दिया। अब दो दिन बाद राजलक्ष्मी की तबीयत में सुधार हुआ। शाम को विनोदनी और राजलक्ष्मी ताश खेल रही थी। महेंद्र कमरे में आया, अपनी माँ से कहा कि कॉलेज में उसकी नाइट ड्यूटी है, वो कॉलेज के पास ही डेरा लेकर रहेगा। महेंद्र ने एक बार भी विनोदनी की तरफ नहीं देखा जो वही राजलक्ष्मी के पास बैठी हुई थी और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर वो चला गया। लेकिन महेंद्र के जाने से विनोदनी बेचैन सी हो गई। महेंद्र के जाने से आशा और विनोदनी दोनों उदास रहने लगी। घर की सफाई के बहाने शाम को आशा महेंद्र की किताबों को और उसकी बाकी चीजों को छूने लगी। विनोदनी धीरे धीरे आशा के पास आई। विनोदनी ने आशा से पूछा कि क्या हो रहा है मेरी आँख की किरकिरी। आशा ने कहा कुछ भी तो नहीं। विनोदनी से भी कुछ साफ साफ पूछने की हिम्मत ना हुई। दोनों सहेलियां वही सोफे पर बैठकर आंसू झड़ने लगी। तभी एक अंधा भिखारी मंजीरा बजाता हुआ गा रहा था और बिहारी सीढ़ियों से चढ़ता हुआ कमरे में आया। कमरे में आशा और विनोदनी को रोता हुआ देखकर वो बिना कुछ कहे वापस चला गया। वो सोच रहा था कि आशा आखिर ऐसे रो क्यों रही थी। दोनों हथेलियों से अपना सर दबाकर वो ये बात सोचने लगा। बिहारी बहुत देर तक अंधेरे में बैठा रहा। जब अंधे भिखारी ने अपना गाना गाना बंद किया तो वो कमरे में वापस गया। तब तक आशा तो कमरे से चली गई थी, पर विनोदनी कमरे में ही थी। बिहारी ने विनोदनी से पूछा कि महेंद्र कहाँ है। तब विनोदनी ने बताया कि उसने कॉलेज के पास डेरा लिया है
उसकी कॉलेज में नाइट ड्यूटी है। अब बिहारी को आशा के रोने का कारण अच्छे से समझ में आ गया था। अब महेंद्र को चिट्ठियां मिलने लगी थी। ये चिट्ठियां असल में विनोदनी की हैं। भोली आशा ने इसे अपनी बात समझकर लिखा है। महेंद्र उन चिट्ठियों को बार बार पढ़ता, बार बार उनको खोलता, बार बार उनको देखता, लेकिन उनका जवाब न दे पाता। एक दिन बिहारी महेंद्र के पास अचानक आ गया और बोला कि नाइट ड्यूटी तो पहले भी होती थी, पर कभी ऐसे घर से अलग तो ना रहे। आशा का रो रो कर बुरा हाल है तुम्हारे बिना। आशा के बारे में सुनते ही महेंद्र बिहारी के साथ वापस घर चला गया। महेंद्र को देखते ही आशा धधक कर रोने लगी। विनोदनी ने महेंद्र के वापस आने पर ऐसे जताया कि मानो से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब एक बार फिर से राजलक्ष्मी ने महेंद्र और बिहारी से कहा कि विनोदनी इस बार अड़ गई है और अपने घर वापस जाना ही चाहती है। महेंद्र विनोदनी से मिलने गया। वो उसे नहीं जाने देना चाहता था, पर बिहारी, आशा और महेंद्र के एक बार फिर समझाने पर विनोदनी एक बार फिर वहीं पर रुक गई। अब रात को कमरे में महेंद्र ने आशा से कहा कि वो कल सुबह की गाड़ी से बनारस जा रहा है चाची से मिलने के लिए। अब महेंद्र चाची से मिलने निकला तब विनोदनी ने एक शब्द भी नहीं कहा। चाची से मिलकर सबकी बातें की सिवाय विनोदनी के। एक दो दिन बाद महेंद्र काशी से लौटकर आता है तो आशा उससे कहती है कि वह भी मौसी से मिलने के लिए काशी जाना चाहती है। तो यह तय किया जाता है कि आशा अपने बड़े चाचा के साथ काशी जाएगी। जब बिहारी को पता चला कि आशा काशी जा रही है तो वो परेशान हुआ कि अगर आशा को काशी जाना ही था तो वो महेंद्र के साथ क्यों नहीं गई। अब महेंद्र और बिहारी के बीच बातचीत होती है। बिहारी कहता है कि आशा मौसी से मिलने जा रही है। महेंद्र कहता है कि हाँ, क्यों, कोई अड़चन? तब बिहारी ने कहा कि अगर विनोदनी उसके साथ जाए तो सही नहीं रहेगा। महेंद्र चिल्लाकर बोला कि बिहारी, अपने मन की बात खुलकर ही कह दो। मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हें यह शुभा है कि मैं विनोदनी को चाहता हूँ। इतना सुनकर बिहारी चला गया। बाहर आंगन में ही विनोदनी थी। वो बोली कि मैं आशा के साथ काशी जाऊंगी। बिहारी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कहकर बिहारी चला गया। विनोदनी ने बिहारी को रोकने की कोशिश की पर वह नहीं रुका। महेंद्र ने वो तीनों चिट्ठियां दोबारा निकालकर एक बार फिर से पढ़ी। आशा की आड़ में विनोदनी ने लिखी थी और आशा काशी जाने से मना कर देती है। अब विनोदनी बिहारी को एक पत्र लिखती है। वो पत्र में सिर्फ बिहारी से ये कहती है कि एक बार आप अपनी कुशलता का समाचार मुझ तक भेज दें। लेकिन वो चिट्ठी बिहारी तक पहुंचने से पहले महेंद्र को मिलती है और महेंद्र उसे खोलकर पढ़ लेता है। लेकिन बिहारी के पास जब ये चिट्ठी पहुंचती है तब बिहारी इसे पढ़ तो लेता है, लेकिन वो इसका कोई भी उत्तर लिख करके विनोदनी को नहीं भेजता।